वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल प्रजापति, और मैंने नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, सब आपके लिए एकदम फ्री में कंटेंट है। अब देखो, ये सीरीज का नाम जो रखा है लेक्चर सीरीज इज बेसिकली ए जियो सीरीज, जियो दिल से, ठीक है। फिजिक्स को हम जी कर पढ़ेंगे। चलो, अब ये सीरीज रखने का मेरा मेन एम क्या है, बहुत स्टार्टिंग से बेसिक से ले रहा हूं बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब बहुत टेंथ स्टैंडर्ड की जो बैच थी मेरी, टेंथ स्टैंडर्ड के जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे जिनको मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, और कोचिंग सेंटर भी बंद है उसकी वजह से जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसकी वजह से, हम मैंने बहुत आगे कुछ भी एडवांस सोचा है, बट मेरा सबसे पहला प्लान है कि हम इसे सक्सेसफुल बनाए, ठीक है। अब ये मेरा पहला रिकॉर्डेड लेक्चर है साइंस सीरीज पर, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, तो उसमें मुझे क्या चाहिए, आप सबका सपोर्ट एंड लव, ठीक है। शेयर करिए और मेरी फैमिली को और आगे बढ़ाइए, ठीक। अब ये जो सीरीज है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बेस पे मैंने बनाया हुआ है, बनाने वाला हूँ, बनाया नहीं है, बनाने वाला हूँ, ठीक है। बोले सर 60 तो पे ही बनाने वाले हो, नहीं नहीं अभी हम बनाएंगे इस पर, ठीक है। तो चलो, अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वहां पे प्यारा सा एक लाल बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या है कि मैं जो अपडेट बनाऊं वो तुम्हें मिलते रहे, और मेरी कोशिश ये रहेगी वीक में तुमको पर फोर जैसे वीडियोस में बनाऊं, ठीक है। चलो, तो आज हम जो बेसिकली टेस्ट में स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल टूल्स। अब मैथमेटिकल टूल्स में बहुत सारी चीजें एकदम स्टार्टिंग से सिखाना पड़ता है, अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, ग्राफ हो गए, बट वो सब टॉपिक तुम अच्छे से सब पढ़कर आया हूं, जो तुम्हें थोड़ा बहुत नया है मैथमेटिकल टूल में और बहुत ही हेल्पफुल है वो चीजें मैं यहाँ पर आज कवर करने वाला हूं। अब मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करने से पहले हम इसका मतलब जान ले, क्यों मतलब सर ये आप मैथमेटिकल टूल ही क्यों पढ़ा रहे हो पहले, क्यों और कुछ नहीं पढ़ा रहे हो पहले, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल पढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स, सी पूरा का पूरा जो मैथ्स के है ना, मैथ्स और फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है दिखाता हूं। इस फिजिक्स के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया ऑब्जर्वेशन किया तो उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना आता है, तभी जाके तुम अच्छा सा कर पाओगे। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे मैथमेटिकली जो स्टडी करना बहुत हार्ड हो जाता है। चलो, अब फटाफट से टाइम वेस्ट के बिना हम मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री को पसंद करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए थोड़ा जिसको टफ लगा उन सबके लिए वापस से हम ये सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक्स में ऐड किया है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस मुझे पहले बता दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, बोलो बोलो, साइन का वाई, कॉसेक थीटा, कॉस का वाई, सेक थीटा, टेन का वाई, कॉट थीटा, तो हमने लिख दिया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो सारे के सारे फंक्शंस है किसके बेस पर आए थे, बेस ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। सारे के सारे जो फिगर्स आए थे किसके बेस पर आए थे, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं 90 डिग्री बनाता हूं तो ये हो गया थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मुझे पता है तुमको बोरिंग लगेगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट स्टिल तुमको ध्यान देना है क्योंकि इसी में से अभी तुमको एलाइड बताने वाले हैं कैसे भाई फंक्शंस चेंज हो जाते हैं और उनकी साइन भी चेंज हो जाती है, वो भी देखना है हमको, तो ध्यान से पहले इसको देखना है, ठीक है। थीटा ये है तो इसका ऑपोजिट ये हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। चलो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, फटाफट टाइम वेस्ट के बिना। चलो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो, फटाफट बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टेन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा, चलो उसका उल्टा, सर इसका फटाफट उल्टा कर दीजिए आप, तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन ऑपोजिट, ठीक है। कॉसेक थीटा, सर साइन का उल्टा कर दीजिए, हाइपो अपॉन ऑपोजिट। सेक थीटा आप किसका उल्टा करो, कॉस का, सर बेस अपॉन, सॉरी वो तो है हाइपो अपॉन बेस, ठीक है। स्टूडेंट्स, फटाफट से हमने बेसिक सा कंटेंट देख लिया, तो हमने ये देखा कि जहां पे थीटा डिसाइड होता है ना सर, उसके बेस पर ऑपोजिट बेस और हाइपोटेनियस डिसाइड हम करते हैं, ठीक है। फटाफट से 10 सेकंड आ गया मेरा, चलो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। लाइन सीधी नहीं बनी, सीधी बनी है क्या, नहीं बनी, कोई बात नहीं, ठीक है।
कार्टेशियन प्लेन, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, वेरी नाइस, चलो ये माइनस एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, ठीक है वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी कितने क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक्स जो होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें सर ये सब बेसिक बेसिक क्या बता रहे हो, उनको आता है, अरे मेरे को बता है, तुमको आता है भाई, पर थोड़ा सा धीरज रखो और देखो, ठीक है। माइनस वाई प्लस, ठीक है, ये दोनों के दोनों यहां पर माइनस और माइनस, ठीक है, और ये प्लस और माइनस, ठीक है, ये धीरज रखने का फायदा तुमको मैं दिखाता हूं। अब इसको हम थोड़ा एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्टर को यहां पर, तो ये हो जाएगा जीरो डिग्री, यहां पे आएगा ना सर 90 डिग्री हो गया, और 90 ऐड करो सर 180 हो जाएगा, 180 और 90 ऐड करो तो कितना हो गया 270, 270 और 90 ऐड करो 360, हाँ वेरी गुड। एक और राउंड घुमाएं क्या, राउंड में क्या करना है हमको, सिर्फ 90 90 90 90 ऐड करता जाना है। चलो अब हम थोड़ा एलाइड एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है, मिटा देता हूं मैं जगह बनाने के लिए, देखो हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा, जो एलाइड एंगल्स क्या होता है, एलाइड एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको, या देखो दो ऐसे दो एंगल्स जिनको एड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री आता है, और उस सपोज जब करते एड और प्लस करें थीटा के साथ और वो 90 डिग्री के जीरो या 90 डिग्री के मल्टीपल में आते हैं, उनको बोलते हैं एलाइड एंगल्स, एंड थीटा इज एलाइड टू दैट एंगल, ठीक है। चलो अब मैं तुमको बताता हूँ एलाइड एंगल्स में कैसा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐसा, साइन डैश प्लस थीटा लेंगे, ठीक है। अब इस डैश के अंदर हम क्या क्या फील करेंगे, ओके पहले माइनस से स्टार्ट करते हैं, माइनस इस हम स्पेस में हम क्या क्या फील करेंगे, जीरो डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, चलो देखो है ना मल्टीपल्स ऑफ 90, ठीक है, तो ये एलाइड एंगल्स है। अभी एलाइड एंगल्स आने से होता क्या है वो हमको देखना है, ऑब्जर्व भी करना है। चलो सबसे पहले हम जीरो डिग्री है, जीरो को नहीं लिखू तो हम इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, अरे वाह सर क्या मस्त बताया है, मतलब जीरो नहीं रहा तो माइनस थीटा रह गया, ठीक है वेरी नाइस। कॉस ऐसे ही माइनस थीटा, फिर टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, ठीक है, चलो यहां पे लिख देते स्पेस नहीं है, चले यहां लिखो सेक माइनस थीटा, फिर कोसेक माइनस थीटा, चलो कौन सा बाकी रह गया, सब हो गए सर, तीन तीन छः होते, छः तो हो गए। चलो फटाफट से इसके अब हम आंसर्स लिखेंगे, चलो अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्या होगा सर ये थीटा का जो माइनस है ना वो बाहर निकल आएगा और हो जाएगा माइनस, ठीक है, कॉज ऑफ माइनस थीटा। अब इसका देखो थियोरिटिकल अप्रोच भी है समझाने का, बट वो मैं नहीं ले रहा हूँ, ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, ज्यादा डिटेल हो जाएगा, धीमे धीमे सीख ही लोगे, मैथ्स के स्टूडेंट हो गए तो, और फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो ये तो मोर देन इनफ है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, अरे वाह वेरी गुड बच्चों, माइनस कॉस थीटा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा होता है। टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, ठीक है, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, अरे सर छः थे, छः में से छः होने चाहिए थे ना, तीन और तीन छः है, ठीक है, छः में से सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉजिटिव आए, बाकी सब नेगेटिव आए, क्लियर है स्टूडेंट्स, सारे के सारे नेगेटिव दिखे। चलो तो अब इसको हमको समराइज करने के लिए क्या करेंगे, समराइज में हमको बेसिकली करना क्या है कि सिर्फ कॉस और सेक का याद रखना है कि इसमें सिर्फ सेम रहता है, बाकी सब में नेगेटिव हो जाएगा। अरे वाह सर मजा आ गया सर, क्या मस्त सीखने मिला है हमको। चलो फटाफट से मिटाते हैं इसको,
चलो अभी हमने कौन सा लिया, जीरो वाला लिया, अब 90 वाला लेते हैं। 90 माइनस थीटा फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी तुम्हारा। चलो 90 माइनस थीटा, अब इसको सर समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहली बात याद रखनी है जितने भी 90 है जब भी 90 आएगा पहली बात तो फंक्शन चेंज होगा। अब फंक्शन नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा वो बाद में देखते हैं हम, पहले मैं फंक्शन चेंज कर देता हूँ। साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, सेक चेंज हो जाएगा किसमें, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। ठीक है चलो, अब मैंने तुमको भी पाई क्वाड्रेटिक प्लेन सिखाया था, कार्टेशियन प्लेन सिखाया था, वो कार्टेशियन प्लेन सिखाने का रीजन यही था, 0 90। ठीक है अब एक चीज याद रखनी है तुमको, ऑल एस टी सी यर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव, एस मतलब साइन और साइन वाला भाई, साइन का भाई कौन था, कोसेक था, तो साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव, टी मतलब टेन और उसका भाई कॉट यहाँ पे पॉजिटिव, सी मतलब कॉस उसका भाई कोसेक सॉरी सेक वो पॉजिटिव। ठीक है ऑल एस टी सी, ठीक है एच टी सी का मोबाइल था मैंने ऐसे याद रखा था, ऑल एच टी सी याद रखता था, पर यह तो है एस। ठीक है चलो अब फटाफट से 90 माइनस थीटा, देखो ये 90 है माइनस थीटा करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, ये जो एंगल होगा वो ना ये जो होगा एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है मतलब ये थीटा एंगल है, और ये जो अगर मैं एंगल बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। अब ये वाई को रखते हैं तो ध्यान से देखना, साइन का हो जाएगा कॉस, अब देखो मैंने यहां पे क्या लिखा था, ऑल क्वाड्रेटिक सॉरी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज पॉजिटिव, तो ये भी आ जाएगा पॉजिटिव, कॉस 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है तो ये भी पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे सर, सब में तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट ही, तो सब में सब पॉजिटिव आएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है वेरी गुड, बहुत अच्छा मजा आया, आया तो लाइक करिएगा। चलो फटाफट से दूसरा पढ़ते हैं हम एलाइड फंक्शंस में। अब मैं लिखता हूं 180, सर पहले जीरो बता दिया आपने, ठीक है फिर 90 बता दिया, अब 180 को क्या होगा, तो 180 का भी देख लेते टाइम वेस्ट नहीं कर कर। देखो बच्चों मेरा स्टार्टिंग है, कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ओके सर। चलो अब दूसरा तुमको कंक्लूजन देता हूं मैं कि अगर 180 आए तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 180 आए तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो सर ऐसा का ऐसा लिख दे क्या, बिल्कुल साइन ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये कोसेक थीटा, सर ऐसा का ऐसा ही लिखना है ना, पक्का ना, मैंने हाँ बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। अब वापस नेगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। चलो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आया 80, देखो ये होता है 180, हमको जाने का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 0 90 180, और 180 में से थीटा माइनस करो तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट अब चेक कैसे करें साइन का पॉजिटिव के नेगेटिव, देखो 180 माइनस थीटा ठीक है सेकेंड क्वाड्रेंट, फंक्शन कौन सा है साइन, क्या साइन पॉजिटिव है, हाँ सर है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, कॉस 180 कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर यहाँ पे नेगेटिव है तो आंसर में भी आएगा नेगेटिव, टेन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, कॉट नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, सेक ये भी कॉस का भाई है तो नेगेटिव, सिर्फ यहाँ पे कोसेक ही पॉजिटिव आएगा तो प्लस कोसेक थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं, अभी 180 वाला सीरीज हो गया, 180 के बाद अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा आएगा 180 के बाद, 270, 90 के मल्टीपल्स लेने हैं बच्चों, 0 90 180 270 360, अरे रे इतने सारे अभी तो प्लस भी बाकी है,
चलो चलो फटाफट 270 270 270 270 270 270। देखो बच्चों वापस याद रखना है कि 90 और 90 के बाद जो दूसरा मल्टीपल है उसका 270, ठीक है। उन सब में फंक्शन चेंज होने वाले, मतलब किसमें 90 180 छोड़ दो, 270 फिर 360 छोड़ दो, उसके बाद जो होगा उसमें सब में फंक्शन चेंज होंगे, ठीक है। मतलब जो y एक्सिस को लगते जितने भी फंक्शन आएंगे वो सारे के सारे चेंज, जीरो y एक्सिस था चेंज हो जाएगा, 180 चेंज नहीं होगा, ठीक है, 270 चेंज होगा, 360 चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो y एक्सिस वाले सारे के सारे फंक्शंस चेंज होंगे। चलो फटाफट से फंक्शन चेंज है सर, फटाफट लिख दो, कॉस थीटा साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। टेन टेन का क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ओके, कोसेक का क्या हो जाएगा, sec थीटा। चलो फटाफट से देख लिए सारे के सारे फंक्शंस, चेंज कर दिए मैंने साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। चलो अगेन अब हमको क्या देखना है सर, कौन से क्वाड्रेंट में, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे। तो वापस से मैं बना देता हूँ कार्टेशियन प्लेन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये बात करें 270 माइनस थीटा, यहाँ पे 270 होता है, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसमें वापस से ऑल एसटीसी, इसमें कौन पॉजिटिव है, सिर्फ टेन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। चलो सर, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव, क्लियर है स्टूडेंट्स कि नहीं है। चलो चलो फटाफट से, अभी हारना नहीं है, थकना नहीं इतना जल्दी। चलो अब हम बात करेंगे 360 को लेकर, 360 360 360 360। चलो अगेन 180 में चेंज नहीं हुआ था तो 360 में भी चेंज नहीं होगा सर, फंक्शन चेंज नहीं होने वाला। आप बेधड़क लिख दो फंक्शन, साइन 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 थीटा, कॉस कॉस थीटा, टेन टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब ये फंक्शन कौन सा, 360 माइनस थीटा, यहाँ पे होता 360 और थीटा ये हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग ऑल एस टी सी, सी मतलब कॉस और सेक ही पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कौन से, कॉस और सेक, ठीक है। सी मतलब कॉस, कॉस का भाई सेक, सेक, चलो साइन तो सर नेगेटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव दे दो, टेन नेगेटिव रहेगा, कॉट सर कॉट तो बहुत नेगेटिव है, यहाँ पे भी सेक पॉजिटिव रहेगा, कोसेक नेगेटिव रहेगा। हो हमने माइनस कंप्लीट किया, अभी हमने एलाइड के बारे में क्या देखा था, सम और डिफरेंस, तो डिफरेंस तो देख लिया, अब हमको सम भी देखना बाकी है। चलो देखो सम में रहेगा तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा वो तो सेम ही रहने वाला है, तो उसको मैं स्टडी नहीं करूंगा, ठीक है। देखो इसका क्या होगा, साइन थीटा, दो थीटा बहुत दूर हो गया सर, कोई बात नहीं, थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहता है, इसलिए हम प्लस में कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करने वाले हैं। जो स्टडी करने वाले हैं वो किसकी है, 90 से स्टार्ट करेंगे हम इसकी। अरे रे हमने ये क्या मिटा दिया, कोई बात नहीं, वापस से लिख देते हैं कोसेक। चलो साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा। चलो स्टूडेंट्स ठीक है, फंडामेंट तो वही लगने वाले हैं, 90 और 270 में फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। फटाफट से इसके फंक्शन चेंज लिख दो, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। चलो वापस से 90 प्लस थीटा तो वापस बना देना है तुमको, देखो 0 90 180
270 360, ठीक है, 0 90 180 270 360। अब 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सीधा का सीधा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया सर। सेकंड क्वाड्रेंट आया वापस से, क्या लिखेंगे, ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी, यहाँ पे साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है। चलो साइन है पॉजिटिव सर, कोस है नेगेटिव, टेन है नेगेटिव, कॉट है नेगेटिव, सेक है नेगेटिव, कोसेक है पॉजिटिव। तो सिर्फ साइन, देखो हमको ये फंक्शंस नहीं देखने हैं, हमेशा प्रीवियस वाला फंक्शन देखना, पहले क्या था वो चेक करना है उसके बेस पर। चलो अब हम 90 तो देख लिया सर, अब देखेंगे हम 270 प्लस थीटा अगेन। अरे सर 180 तो बाकी रह गया, अरे मैं 180 भूल गया। कोई नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा कोई जल्दबाजी नहीं है। 180 180 180 180 एंड 180। चलो 180 के हिसाब से ये 0, ये 90 और ये 180 प्लस थीटा करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल एस टी सी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक, यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक, ये पॉजिटिव, ठीक है। चलो सर 180 है मतलब फंक्शन चेंज ही मत करो, ठीक है बच्चा, सही बात की है, मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, फटाफट सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। फंक्शन चेंज नहीं किया आपने, बोला वैसा 180 के हिसाब से, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे टेन और कॉट ही पॉजिटिव, चलो टेन और कॉट को पॉजिटिव बना दो, अदरवाइज बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्लियर है, फटाफट से। अरे रे तुझे भी अभी गिरना था, चलो फटाफट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है। देखो बहुत सारा हमने किया है कवर, अभी और भी हम कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा वेट करो, मुझे पता है सर बोर हो रहे हैं बंद कर दे, अरे मुझे भी पता है, बट थोड़ा सा धैर्य रखो, मेरी इच्छा है कि मेरा पहला वीडियो बहुत अच्छा जाए, आई होप सो बहुत अच्छा जाएगा, तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। हमने देखो 270, अब हमने 180 कर दिया, अब 270 की बारी है, इसे भी मिटा दो फटाफट। टू सेवेंटी प्लस थीटा, चलो वापस से सर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में अपने 270 लाया, 270 मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, चलो फंक्शन चेंज कर दो फटाफट, साइन का क्या हो जाएगा। अरे हमने 270 किया क्या, ऐसा फील मुझे अनुभूति हो रही है कि भाई मैंने फील चेंज किया है, ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं हमने 180 किया था, फंक्शन चेंज नहीं किया, चलो 270 है, 270 फंक्शन चेंज, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा। अरे वाह फंक्शन चेंज कर दिए सर, अभी क्या करेंगे, चलो यहाँ पे 270 है, यहाँ पे बैठा है 270, उसमें प्लस थीटा कर दो, प्लस थीटा किया, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, चलो फटाफट मेरे साथ बोलो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आया सर, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से ऑल एस टी सी, यहाँ पे कौन सा कॉज और सेक, कॉज और सेक ही पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव सर, चलो कॉज और ये सेक पॉजिटिव बना दो, कॉज पॉजिटिव बना दो, बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। चलो लास्ट है अब, ठीक है 360 प्लस थीटा का डाल देते हैं,
360 प्लस थीटा। थ्री सिक्सटी अगेन सर 180 का भाई आया, ये मल्टीपल में आया। चलो डाल दो इसको फटाफट साइन, कोई फंक्शन चेंज नहीं तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉसेक थीटा ही रहेगा। चलो कौन सा फंक्शन 360 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 360 प्लस और ऐड कर दो, कौन सा फंक्शन, कौन सा क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव तो सब में जाएगा प्लस 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 प्लस। इसको देख के मैंने बनाया, इसको देख के नहीं बनाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो हमने जो पढ़ा था उसके बेस पर अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रैक्टिस है देता हूँ तुमको साइन माइनस 30, ठीक है फटाफट देखो। याद है एलाइड एंगल की सीरीज के अंदर देखा था हमने साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन थीटा, मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, वेरी गुड। ठीक है ऐसे करते हैं ये चीज़। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरा साइन 120 डिग्री, ठीक है साइन 120 डिग्री। अरे सर ऐसा दिया हो तो इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखो साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ और दूसरा साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ, हाँ के ना। तो देखो 90 प्लस थीटा याद करो, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है दोनों से देखते हैं हम। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थी ओके साइन है तो क्या होगा फंक्शन चेंज, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है इसलिए भी पॉजिटिव रहेगा, तो थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2, सिमिलरली इसके लिए भी, ठीक है साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है तो 180 है फंक्शन तो सर वैसा का वैसा ही रहेगा तो साइन 60 हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेंगे, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, देखो सेम आया कि नहीं आया। चलो देखो ये क्विक रिवीजन था, ऐसे तुम ये चीज़ें कर सकते हो। चलो अब मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताता हूँ, डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, उसका रीज़न है डेरिवेशन तुमको अभी काम का नहीं है, बट अभी जो काम का है वो तुमको फॉर्मूला काम की है और वो फॉर्मूला मैं तुमको बताता हूँ। वो फॉर्मूला का नाम है एडिशन फॉर्मूला, ठीक है कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं कब, देखो तो साइन दो एंगल दिए हो ए प्लस बी, ठीक है फिर देखेंगे हम कॉस ए प्लस बी, फिर हम देखेंगे टेन ए प्लस बी, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। चलो साइन ए प्लस बी तो कैसे याद रखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी वन अपॉन, देखो प्लस है तो यहां पर जाएगा माइनस टेन ए प्लस टेन बी, ओके सॉरी वन ए टेन इंटू 10b, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ हार्ड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के एडिशंस फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सर अब याद कैसे रखे, ये बहुत बड़ी चीज मत सर दर्द है सर याद कैसे रखना, अरे मेरे लिए भी बहुत था, बट एक चीज है साइन में दो फंक्शंस आते हैं साइन कॉस के फॉर्म में पैर आते हैं, कॉस में कॉस कॉस साइन साइन, इसमें साइन कॉस इसमें कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है टेन का बाद में याद करवाता हूँ। कॉस में प्लस हो तो माइनस लगाने का और ठीक है माइनस हो तो प्लस लगाने का, सेम मेथड है, ठीक है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। टेन का याद रखना है तो ऊपर ऐसा का ऐसा टेन ए प्लस बी अपॉन ऊपर नीचे सिर्फ माइनस में और टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसका थोड़ा सा हम एडवांस वर्जन देखते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं, एक ही मिनट अपना मार्कर खत्म हो गया, मार्कर ले आते,
साइन 2a, 2a मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस ए, दैट मीन्स वही फॉर्मूला साइन a प्लस बी वाला ही है, ठीक है। तो इसको कैसा हो जाएगा, 2 साइन a कॉज a, इसे तुम फॉर्मूला पुटअप करोगे तो तुम्हें आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। टेन 2a क्या हो जाएगा, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल एंगल फॉर्मूला, जनरल इसको क्या बोलते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला, एडिशन के अंदर ही आ गया, डबल एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की। चलो अब इसके बाद जो है वो सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला है, सब देख लेते हैं हम, ठीक है। डिफरेंस फॉर्मूला, डिफरेंस मतलब वही साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, सोच मत जाना, पढ़ते रहना, ठीक है। साइंस लिया है, ऐसे नींद नहीं आएगी, ठीक है। रोज की एक पेन खाली चाहिए, उतना डेडिकेशन रखो। कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, अरे इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। चलो फटाफट से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका तो सेम वही मेथड, साइन ए कॉस बी, अब प्लस था पहले तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, वापस से। चलो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, फटाफट यहाँ पे सीधा साइन आगे आ जाएगा, साइन ए साइन बी, मतलब वही सीधा सीधा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब टेन ए माइनस बी क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं हम, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन, अब पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, टेन ए इंटू टेन बी, खत्म। तीन फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला भी हमने कर दिए सारे के सारे, ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखेंगे, चलो मिटा दूं मैं फटाफट इसको। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखेंगे, ये सारे फॉर्मूलाज तुमको देखो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बाकी से बाद में करना ही है। इसके बाद जो हम करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। दोस्तों तुम्हारा बहुत 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 सारा प्यार चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए, तुम ही मेरी ताकत हो, ठीक है, सपोर्ट करिए, बहुत आगे बढ़ेंगे हम सब। चलो वापस से, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखो दोनों फॉर्मूला साथ में आ गए, क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसा लिखे कभी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, सीधा लिख दीजिए 2 साइन ए कॉस बी, सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया तुमको मैंने, अरे वाह मजा आ गया सर। कॉस आएगा तो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, चलो इसका क्या लिखेंगे फटाफट, साइन में कॉस साइन कॉस आता है, कॉस में कॉस कॉस या फिर साइन साइन, वो डिपेंड करता है तुम्हारा कौन सा प्लस है या तो माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो सीधा सीधा कॉस लिखेंगे, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, अब माइनस के फॉर्म में देख लेते हैं माइनस का भी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए फॉर्मूला के अंदर, और बिल्कुल डिफरेंस है, जो कॉस पहले बाद में था वो आ जाएगा पहले, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, सिमिलरली इसके लिए भी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। चलो वापस से यही सेम फॉर्मूला, कुछ तो डिफरेंस आएगा ही, वेरी गुड आएगा ही, यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस में दोनों के दोनों साइन, 2 साइन ए कॉस सॉरी साइन बी,
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, मजा आया तो दिल से करो लाइक, ठीक है। चलो अब ये तो ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, अगर इसी की जगह यहां पे ऐसा दे दे तो यहां लिख देता हूं साइन सी प्लस साइन डी, तब क्या करोगे तुम? अब हो गए ना कंफ्यूज? कुछ नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल है, साइन ए प्लस साइन बी पढ़ा था, यहां पे भी साइन सी प्लस साइन डी है, तो क्या कर देने का, टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। कैसे होता है ये फॉर्मूला, एक्चुअली ये होता है, इसके मदद से हमने ये बनाया है। चलो तो भी कोई बात नहीं, अगेन इसके लिए देखें हम तो क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, खाली ए प्लस बी की जगह सी प्लस डी बाय टू एंड सी माइनस डी बाय टू, तो हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, तुम्हें दिख रहा होगा यहां तक आई होप। चलो मैं ऊपर का मिटा देता हूं ये दोनों जो उसके फॉर्मूला लिख दिए मैंने, अब इसकी जगह माइनस में साइन सी माइनस साइन डी अगेन टू, अब साइन वाले पार्ट में पहले कॉस आएगा तो कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। चलो तो ये भी मिटा देता हूं फटाफट से मैं, अब रहा कौन सा कॉस, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, जब कॉस होता है तब क्या आता है माइनस के फॉर्म में, तो आता है साइन साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सर मजा आ गया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर दिया, आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक इट, वी डिड मैथमेटिकल टूल्स होल ट्रिग्नोमेट्री, आई होप आपने जरूर नया सीखा होगा और ये मेरा चैलेंज है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल नया सीखा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप बहुत शेयर करिए, इसे सपोर्ट करिए, एकदम फ्री में है सारे, स्पेशली अपने सारे के सारे स्टेट में होल ये डिस्ट्रीब्यूट, और बहुत अच्छा लगे मुझे, इनिशिएटिव लिया, आपकी हेल्प चाहिए, बाय बाय।